సరిగా రిగమ గమ ప మ పద పదని ధని స సని దాని ద పద ప మ ప మ గ మ గ రి గ రి స సరిగా రిగమ గమ ప మ పద పదని ధని స సని దాని ద పద ప మ ప మ గ మ గ రి గ రి స. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे हैं. आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? तो अभी प्रैक्टिस करने वाला ज़्यादा मैं दिखाया नहीं हूँ, लेकिन आज इस एपिसोड से मैं बहुत कुछ आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको प्रैक्टिस के दौर पर करना है. ठीक है, अभी तक मोस्टली थ्योरी के ऊपर ही चल रहा था, तो आज से मैं जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है. आज का जो मेरा टॉपिक है, राइट, कॉर्ड का जो फिंगरिंग शेप क्या होता है, रेगुलर कॉर्ड और इन्वर्शन कॉर्ड आपको कैसे पकड़ना है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. लेकिन उसके पहले एज यूजुअल मैं जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो मेरे चैनल पे तो डेफिनेटली मेरा चैनल विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए विद द बेल आइकन प्रेस्ड. एंड क्रैश कोर्स का जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो डेफिनेटली आप जाके इसको सेव कर लीजिए, और आपका जो प्लेलिस्ट का जो माई लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी से आप प्लेलिस्ट को कभी भी रेफर कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं. तो हम लोग पहले बताएंगे कि पिछला एपिसोड का थोड़ा रिकैप कर लेंगे. आपको मैं बताया था 1 5 6 7 8, ये हुआ आपका मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला, राइट. और माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला क्या था? 1 4 8. ये दोनों उंगली सेम है, सिर्फ बीच वाला जो उंगली था इसको आपको हटा के एक पीछे करना है. मतलब आपका दोनों उंगली के बीच पहले तीनों हाफ नोट का गैप था, अभी ये गैप शॉर्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा, और वो गैप उधर तीन हो जाएगा. ठीक है, पहले उधर दो था, इधर तीन था, अभी इधर दो हो जाएगा, उधर तीन हो जाएगा. ठीक है, तो ये हुआ आपका माइनर कॉर्ड और ये हुआ आपका मेजर कॉर्ड. तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो रेगुलर शेप होता है कोई भी कॉर्ड का, ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है. अभी आपको कुछ एक्सरसाइज मैं दिखाने वाला हूँ, वो आपको करना है टू प्रैक्टिस द रेगुलर शेप. तो चलिए बना रहिए. हम लोग सी स्केल में ही करने वाले हैं, बिकॉज पहले आपका अगर जो बेसिक एक्सरसाइज है वो अगर सही तरीके से हो जाएगा तो डेफिनेटली आराम से आप कुछ भी कर सकते हो. देखिए, आपको ये तीनों उंगली यूज़ करना है ज़्यादातर. ठीक है, ये दोनों नहीं यूज़ करना है. ठीक है, आपको ये तीनों ही ज़्यादा यूज़ करना है, ऐसे करके. आप अगर चाहो तो इसके जगह पे ईएस को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ईएस को प्रेफर कीजिए, या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कीजिए. ऐसे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बिकॉज दोनों उंगलियों के बीच गैप इन उंगलियों से ज़्यादा होता है, तो ये दोनों उंगली में ऐसे करके आप पकड़ो. ठीक है, देखिए क्या कर रहा हूँ. 1 2 3 4, सेम शेप को सिर्फ हटा लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए. ये जो आपका उंगली है, ये उंगली सी पे पड़ रहा था पहले, ये सी मेजर हो रहा था, अभी एक हटा लीजिए, डी के ऊपर रख दीजिए इसको, और डी माइनर हो गया आपका. तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 E minor, 4, 1 2 F major, 3 4, 1 G major, 3 4, 1 2 A minor, 3 4, 1 2 3 B minor, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1. ये जो प्रैक्टिस मैं आपको दिया, ये आप लेफ्ट हैंड पे भी कर सकते हो. ठीक है, सेम चीज़ करना है आपको. 1
लेफ्ट हैंड पे अगर पकड़ रहे हो तो ये दोनों उंगली को छोड़ दीजिएगा, या ठीक राइट हैंड पे आप जो जैसे किए थे राइट ऐसे करके ठीक उसका मिरर इमेज ले लीजिए, लेकिन यहाँ से मिरर इमेज देखिए, तो मतलब ऐसे हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 तो गाइज मैं आपको ये सजेशन देने वाला हूँ कि आप बहुत धीमे धीमे कीजिए। आपको याद रखना पड़ेगा जितना धीमे आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ होते जाएगा। आप पहले 10 मिनट या 5 मिनट ऐसे धीमे धीमे करो, उसके बाद धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाते जाओ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर टेम्पो होगा मतलब मेट्रोनोम होगा तो उसको यूज़ करके आप कीजिए। जैसे आप पहले मेट्रोनोम को ऑन कर दीजिए, जैसे यहाँ पे मेट्रोनोम मेरा 86 पे सेटअप है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 और चाहे तो और भी धीमे कर लीजिए इसको, टेम्पो हटा लिए। पहले आप मान लीजिए कि आप शुरू कीजिए लगभग 60 से 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके शुरू कीजिए, उसके बाद थोड़ा धीमे धीमे बढ़ाते जाइए, 5-5 करके बढ़ाते जाइए 1 2 3 4 1 2 3 सेम कॉर्ड पे 4 बार बजाइए, ठीक है। जब आपका ये प्रैक्टिस हो गया तो धीरे धीरे और भी टेम्पो बढ़ाते जाइए, बढ़ाते 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 जितना हो सके पूरा डबल कर सकते हो, 100 तक जा सकते हो। 100 जब चले जाओगे आप, जैसे मैं अभी 100 दिया हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ऐसे करके आप 100 तक चले जाओ, जितना हो सके आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, लेकिन एक दिन में नहीं ग्रेजुअली। तो अभी ये आप ऐसे करो राइट, जब ये आपका हर एक कॉर्ड में 4-4 बार हो गया तब आप क्या करो, अच्छे से मेट्रोनोम का ज़रूरत नहीं है तो मेट्रोनोम मत यूज़ कीजिए, लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो मेट्रोनोम यूज़ करके कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि कभी भी आप ताल से मतलब रिदिम से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। तो रिदिम के अंदर रह के ही आपको जो करना है करना है, रिदिम छोड़ कर नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 ऐसा नहीं करना है, जो भी करना है आपको रिदिम में करना है। पहले आप जब सीख रहे हो पूरा रिदिम में कीजिए, तो जब आपका 4-4 करके हो गया तब उसको 2-2 करके कीजिए, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ओके ठीक ऐसे ही उतरते आ जाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये तो आप करेंगे ही, उसके साथ साथ और एक चीज़ जो करना है आपको वो है आपका सरे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सरे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। अगर आप सिंगर हो तो डेफिनेटली आप सरगम बोल के कीजिए, अगर आप सिंगर नहीं हो आपका गला सुर में होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बोल के कीजिए ठीक है, तो उससे आपको फ़ायदा होने वाला है। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा सा। अब अगर बहुत फास्ट करना चाहते हो तो ऐसे करके जो बताया था ये उंगली छोड़ के सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। पहले बहुत धीरे धीरे कीजिए सरे गा मा पा धा नी सा, मेट्रोनोम ऑन करके कीजिए, बाद में जब आप देख रहे हो कि आपका सुंदर हो रहा है तब उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली आप टेम्पो बढ़ाते जाइए और कीजिए सरे गा मा पा धा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो आप ये चीज़ ये जो मैं आज दिखाया ये बहुत सीरियसली लीजिए और बहुत ही अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, मेरे पे आप भरोसा कर सकते हो। आपका उंगली का जितना फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा ना तो आप इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है बाद में राइट। तो ये फिंगर एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से करो ठीक है। तो अभी मैं जो आपको बोलना चाहूँगा इन्वर्शन कॉर्ड का शेप क्या होता है, आप मेरे चैनल पे अगर बहुत
पहले से हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं इन्वर्शन कॉर्ड के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ, बिकॉज मैं जब भी बजाता हूँ इन्वर्शन कॉर्ड ही पकड़ता हूँ। मैं क्यों बजाता हूँ और इन्वर्शन कॉर्ड क्या होता है वो आपको पहले दिखाता हूँ। तो आपको ये पता ही है राइट, यहाँ पे ये वाला शेप है एक कॉर्ड का। तो आप मान लीजिए ये थर्ड वाला जो नोट आप पकड़े हो, मतलब सी सी जब मेजर पकड़ रहा हूँ राइट, सी मेजर पे थर्ड नोट क्या आता है, जी आता है, सी ई और जी। वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सी ऐसे होता है राइट। तो सी का ऊपर वाला जो नोट जी, इसको अगर ऊपर ना पकड़ के मैं नीचे पकड़ूँ जी तब भी चलेगा, तब भी वो सी मेजर ही हुआ आपका, ऐसे ऐसे करके ये भी आपका सी मेजर होता है। तो यहाँ पे आपका फायदा क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कॉर्ड बजा राइट, मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ सी सी आ, आ, आप दोनों में सुन के फर्क समझ सकते हो राइट। फर्स्ट फर्क है शेप का, आप ऐसे पकड़ रहे थे आप ऐसे पकड़ोगे। सेकंड फर्क जो होता है, जो जी ऊपर ना लगा के मैं नीचे लगा रहा हूँ, तो ये जो सी कॉर्ड जो हुआ थोड़ा बेसी हुआ, मतलब थोड़ा बेस साउंड जो है इसका थोड़ा ज़्यादा हुआ राइट। और इसका दूसरा जो फायदा होता है ये इन्वर्शन कॉर्ड का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। वो एग्जांपल देने के पहले मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको जो सजेस्ट किया ऐसे करके 1 2 3 4 1 2, सेम चीज़ आप इन्वर्शन कॉर्ड का शेप में भी कीजिए। देखिए बाद में आपका ही चॉइस रहेगा कि आप कौन सा वाला कॉर्ड ज़्यादा पकड़ने वाले हो राइट, ये टोटली आपका ही चॉइस है। जैसे मेरा चॉइस रहा कि मैं इन्वर्शन कॉर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ज़्यादा ही पकड़ता हूँ, बिकॉज अच्छा होता है ऐसे फैला के। उंगली जो है मेरा ये उंगली और ये उंगली के बीच थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस बना रहता है और थोड़ा फैला के पकड़ सकता हूँ। ये मेरा एक्चुअली पर्सनल चीज़ है कि मेरा इन्वर्शन कॉर्ड पकड़ने में आसान होता है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इन्वर्शन कॉर्ड में भी वो सेम चीज़ आप कैसे प्रैक्टिस करें। तो जैसे 1 2 3 4 1 2 3, आपको याद रखना पड़ेगा ये उंगली जब आप इन्वर्शन कॉर्ड पकड़ रहे हो तब यहाँ पे आप रूट कर रहे हो। तो इन्वर्शन कॉर्ड का और एक भी शेप होता है ठीक है, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे सी यहाँ पे पकड़ रहा हूँ राइट, तो सी के ये वाला कॉर्ड, ये वाला जो नोट जी को मैं नीचे पकड़ के जब पकड़ रहा था, ये एक इन्वर्शन शेप हुआ राइट। और एक इन्वर्शन शेप हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसकी जगह पे ये पकड़ा था और इसके जगह पे मैं लोअर वाला पकड़ता हूँ, अगर मतलब सी सबसे टॉप में रहा, उसके बाद ये जी था और उसके बाद ये भी आपका दूसरा इन्वर्शन कॉर्ड शेप बन गया। तो आप जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो उसी शेप को ज़्यादा आप ग्रेप करने की कोशिश करो। लेकिन मैं बोलूँगा कि नॉर्मल शेप जो है उसके साथ साथ ये शेप, ये दोनों आप दोनों पर ज़्यादा फोकस दे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन है बट ये सी मेजर ही बज रहा है। सी मेजर का एक शेप बताया आपको, दूसरा शेप ऐसा है इन्वर्शन जो मैं ज़्यादातर पकड़ता हूँ, मेरा सारे ट्यूटोरियल्स में ज़्यादा ऐसे ही पकड़ता हूँ। तो इस उंगली से आपको पता लगेगा रूट कॉर्ड क्या है, इस उंगली से आपको पता लगता है कि रूट नोट क्या है। और ये जो तीसरा वाला शेप आपको दिखाया मैं, इस पर एक्चुअली लास्ट उंगली से आपको पता लगता है कि कौन सा चीज़ है। तो ये वाला शेप और भी बेसी है बिकॉज जो मेरा रूट नोट है वो सबसे ऊपर है। तो आपको सुनने पड़ेगा, फर्स्ट शेप, सेकंड शेप, थर्ड शेप, ये और ज़्यादा बेसी हो गया राइट। तो आप तीनों ही प्रैक्टिस कीजिए, सेम चीज़ कीजिए यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4 1 2, आप यहाँ पे ये उंगली को फॉलो कीजिए, ये उंगली एक एक करके शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका इन्वर्शन कॉर्ड। अभी तक मैं ज़्यादातर लेफ्ट उंगली उतना यूज़ नहीं किया हूँ, इसका नेक्स्ट में मेरा फिंगर यूसेज था तो उसको मैं थोड़ा प्रीपोन कर रहा हूँ, इसके बाद ही मैं लेफ्ट हैंड दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पैटर्न दिखाने वाला हूँ। आपको दिखाने वाला हूँ कि दोनों टाइप का जो शेप है दोनों को यूज़ करके मैं कैसे कोई एक परफॉर्मेंस कर रहा हूँ ठीक है। जैसे ये मैं आपको जस्ट सुनने के खातिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड में एक जस्ट जो कॉर्ड पकड़ रहा हूँ उसका मैं रूट नोट यहाँ पे पकड़ रहा हूँ सुनने के लिए। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप मेरे राइट हैंड पे ही फोकस कीजिए ठीक है। तो अभी मैं सी मेजर पकड़ रहा हूँ राइट, अभी मैं सी में अगर मेजर अगर ऐसे पकड़ता हूँ इन्वर्शन कॉर्ड में,
और मेरा जो ये जो थंब फिंगर है, थंब फिंगर को उठा के मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये कौन सा कॉर्ड हो गया मेरा, ए माइनर हो गया। तो मुझे अगर ऐसा कोई गाना गाना है जिसमें सी मेजर है और ए माइनर भी है और जी मेजर भी है, तो देखिए आप कितना इजीली ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ शेप चेंज। मुझे ज़्यादा करने का मैंने मतलब सी उसके बाद जी उसके बाद ए माइनर, इतना शिफ्ट ना करके मैं सी ए माइनर जी ऐसे जैसे मैं सुनाता हूँ आपको। आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है टिल द पॉइंट इन टाइम, तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर दे दीजिए अभी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 1 2 3 4 वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री राजन ढूंढन में चले अगन लगा के रब्बा लकीरा ने विच लिख दी जुदाई हो गया। तो गाइज जस्ट ये एग्जांपल था कि मैं तीनों कॉर्ड के बीच कैसे इजीली स्विच कर रहा था। पहले मैं सी ए माइनर जी सी। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका है कि कॉर्ड शेप्स क्या होता है और उसके साथ आपको क्या प्रैक्टिस करना है। जितना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगे और धीरे धीरे आपको टेम्पो बढ़ाना है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो दोस्तों अभी कुछ दिन आप फिलहाल सी मेजर पर टिका रहिए और ये स्केल का प्रैक्टिस भी कीजिए, मतलब सरे गा मा पा दा नी सा दा नी दा पा मा गा रे सा सरे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी सा सा नी दा नी दा पा दा पा मा पा मा गा रे गा रे सा। ये चीज जैसे मैं इस ऑक्टेव से कर रहा हूँ, आप दूसरे ऑक्टेव से शुरू करके भी कर सकते हैं। सरे गा ऐसे जो क्रॉलिंग करते करते पूरा नीचे से ऊपर तक जाइए, उससे आपका हाथ का जो स्पीड वो भी बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट डेली कोशिश कीजिए, अभी जब बिगिनर लेवल पे आधा घंटा से एक घंटा। अभी तक आपको मैं राइट हैंड वाला एक्सरसाइज सब दिखाया हूँ, राइट। तो अभी जब नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्चुअली लेफ्ट हैंड को भी इंट्रोड्यूस करूंगा, लेफ्ट हैंड का जो जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको दूंगा बेसिक एक्सरसाइज, तो वो भी आप फॉलो कीजिए। जितना आप फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग के साथ हैंड का सेटिंग्स उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज ये जो प्रैक्टिस है, ये इस प्रैक्टिस से हम लोग दिमाग में ये चीज़ सेट करते हैं, राइट, ना कि उंगली में सिर्फ। उसके बाद एक टाइम आता है जब आपका हैंड एक्चुअली दिमाग से फ्री हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हैंड ही कर लेता है। फिलहाल पहले आपको आपका जो मस्तिष्क है या ब्रेन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, उसके बाद में एक टाइम पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मैं मतलब उतना ब्रेन से इनपुट नहीं लगता है जितना नॉर्मली हो जाता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं फिर से, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड का यूसेज लेके। टेक केयर, गुड बाय।